सभी को नमस्कार। ग्रामीण भारत में ऐसा कोई ही शख्स हो जिसने टेम्पो शब्द कभी ना सुना हो। आज की जनरेशन जैसे आम भाषा में ऑटो शब्द का उपयोग करती है, वैसे ही 90 के दशक में लोग टेम्पो शब्द का उपयोग करते थे। आज भी आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे ये कहते हुए कि टेम्पो में चलते हैं। टेम्पो उस समय का काफ़ी प्रचलित शब्द था। आज हम आए हैं एक कहानी के साथ जिसका नाम है टेम्पो। टेम्पो जिसको अलग अलग जगह बहुत सारे नामों से जाना जाता था, जैसे कि कहीं पे उसको तेथन कहते थे, हाथी कहते थे, सूंड कहते थे, गणेश भी कहते थे और भूंड भी कहते थे, और भी बहुत सारे नाम हैं जिसको अलग अलग जगह पे बोला जाता था। टेम्पो बिल्कुल आहिस्ता चलता था, आज के जैसे ऑटो की तरह कट मारते हुए या तेज़ नहीं चलता था। अगर आप इसके गियर बॉक्स देखेंगे तो इस तरह के गियर बॉक्स आज के किसी भी व्हीकल में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जो बिल्कुल स्टेयरिंग के पास होते थे और एक लोहे की रोड जैसे आपको पीछे की तरफ खींचनी पड़ती थी, उससे ही गियर लगते थे। उस समय गांव में जाने वाली सवारियां ज़्यादा होती थी, लोगों के पास इतने ज़्यादा व्हीकल नहीं थे जितने आज बाइकें, स्कूटर्स और फोर व्हीलर हैं। बस की सर्विस भी अभी ज़्यादा है, पहले ऐसा नहीं था। उस समय महिलाएं ही इस टेम्पो के अंदर बैठ पाती थी, बाकी सभी खड़े रहते थे। मजे की बात यह है, ड्राइवर कभी जगह नहीं बनाता था। अगर आप कहीं पर भी खड़े हो सकते हैं तो आप खड़े हो जाइए, इसलिए सवारियां यही सोचती थी बस पैर रखने की जगह मिल जाए तो हम गांव में पहुंच सकते हैं। अब बात आती है कि इस टेम्पो में आखिर कितनी सवारियां आ सकती हैं, यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। ये कहानी है हरियाणा के भिवानी जिले की। एक बार की बात है, एक बार टेम्पो ड्राइवर सवारियां लेके जा रहा था, रास्ते में पुलिस वाला देखता है कि जो वो टेम्पो आ रहा है उस टेम्पो में उसको नॉर्मल जितनी सवारियां हर रोज जाती हैं उससे बहुत ज़्यादा सवारियां उसमें दिख रही थी। उसको ये संख्या आम संख्या नहीं लग रही थी। जब टेम्पो पुलिस वाले के नज़दीक आता है तो पुलिस वाला उसको रुकवाता है और बोलता है सभी सवारियां नीचे उतरिए। ड्राइवर काफ़ी मिन्नत करता है कि हमें जाने दें, लेकिन पुलिस वाला नहीं मानता। वो कहता है आप सभी नीचे उतरिए और वो सभी सवारियों की काउंटिंग शुरू करता है और वो हैरान रह जाता है। हैरान क्यों रह जाता है? क्योंकि उसमें 65 सवारियां बैठी थी, 65। क्यों? आप भी हो गए ना हैरान, एक बस की सवारी से भी ज़्यादा। फिर पुलिस वाले ने सभी सवारियों को कहा कि आप किसी दूसरे व्हीकल में चले जाइए, इसको तो मैं थाने लेके जाऊंगा। ड्राइवर फिर दोबारा मिन्नत करता है, सवारियां भी उसको कहती हैं कि हमें जाने दें, लेकिन वो पुलिस वाला बिल्कुल नहीं मानता है। वो कहता है नहीं नहीं, ये आज मैं इसको थाने लेके जाऊंगा, आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अब वो उसे थाने ले जाता है। अब थाने में सभी और दूसरे पुलिस वालों के साथ पुलिस इंस्पेक्टर को वो सारी की सारी बातें बताता है, और जैसे ही वो बातें बताता है और वो बताता है कि मैंने खुद काउंट की कि उसमें 65 सवारियां बैठी हुई थी, इंस्पेक्टर के साथ साथ सभी हंसने लग जाते हैं। जब वो हंस रहे थे तभी ड्राइवर समझ जाता है कि उसे क्या करना है। उस पुलिस वाले की बात सुन के अब पुलिस इंस्पेक्टर उस ड्राइवर को कहता है कि हाँ बताओ तुम्हें क्या कहना है। अब वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है हम गरीब हैं इसलिए हमारे को सताया जाता है और ये सारे कानून हमारे पे ही चलते हैं, इसका कारण यही है कि हम लोग गरीब लोग हैं। मैं आपसे और यहाँ पे खड़े सभी पुलिस वालों से कहना चाहता हूँ सबके सामने, और मैं निवेदन भी करता हूँ आप सभी से, आप 65 सवारियाँ लेके आइए और 65 सवारियाँ बिठा के दिखाइए, मैं इस टेम्पो को यहीं पर खड़ा छोड़ जाऊँगा, और जो आप सजा कहेंगे, जितना फाइन कहेंगे मैं उतना फाइन देने के लिए तैयार हूँ, और जो भी करने को कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए कि इसमें 65 सवारियाँ बैठने की, खड़े होने की जगह कहाँ? हो ही नहीं सकता कि इसमें 65 सवारियाँ आ जाए। अब ये सारी बातें सुन के सभी पुलिस वाले सहमत होते हैं। इस दलील से पुलिस इंस्पेक्टर और जितने खड़े वहाँ पे पुलिस वाले होते हैं वो सारे सहमत होते हैं, इसलिए पुलिस वाला तुरंत कहता है कि तुम अपना टेम्पो लेके जा सकते हो। उन सभी पुलिस वालों को यकीन हो जाता है कि हो ना हो इस पुलिस वाले ने ही कहीं ना कहीं इस गरीब आदमी को तंग करने का प्रयास किया है। और जैसे ही पुलिस इंस्पेक्टर उस ड्राइवर को कहता है वो खुशी से झूम उठता है और सबको धन्यवाद कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। इसी बीच जो पुलिस वाला है वो दलील देता रहता है, लेकिन बाद में इंस्पेक्टर उसको डांट देता है।
आगे से इस तरह का काम ना करने की सलाह भी देता है। आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आपके गांव में भी अगर इस तरह का कोई वाक्या हुआ है और एक कोई रोचक कहानी है आपके ग्रामीण इलाकों में, तो ग्रामीण भारत 360 उसको आपके नाम के साथ चैनल पे सुनाएगा। आप अपनी कहानी ग्रामीण भारत की ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।